नमस्कार, मैं रवीना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव में पवार समाज की अनदेखी, सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं उपेक्षा। तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों में पवार समाज के पदाधिकारी कड़ी मेहनत कर सामाजिक व राजनीतिक कार्यों में वर्षों से चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका दिया जा सकता है। किंतु गत 29 वर्षों से सभी राजनीतिक दलों द्वारा पवार समाज के पदाधिकारियों को वंचित रखकर अन्य दूसरे समाज के लोगों को महत्व दिया जा रहा है। क्षेत्र में शहरी परिसर में कुंभी एवतेली ग्रामीण परिसर मतदाताओं की संख्या अधिक है, जबकि पवार समाज की तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक भूमिका रहती है। फिर भी पवार समाज को स्थानीय कथित बड़े नेताओं द्वारा महत्व न देकर वोट की राजनीति कर चुनाव में अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि क्षेत्र में समाज की अच्छी खासी फौज होने के बावजूद वरिष्ठों को झूठी जानकारी देकर गुमराह किया जाता है। चुनाव में होती है महत्वपूर्ण भूमिका। पवार समाज की ओर से लोकसभा चुनाव में भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर भाजपा को एक तरफा वोट देकर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा चुका है। लेकिन यह बात समझ से परे है कि पवार समाज जिस तरह भाजपा को प्रत्येक चुनाव में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे ही सत्तासीन से वंचित रखा जाता है। यहाँ भंडारा जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में पवार समाज के लोगों को सत्ता अथवा संगठन में कोई महत्व नहीं दिया गया है, जिसके चलते समाज के लोगों में अंदर ही अंदर विरोध के स्वर मुखर होते नजर आ रहे हैं। यदि आगामी विधानसभा चुनाव में क्षेत्र से पवार समाज की इसी तरह अनदेखी की जाती है तो शायद इस बार भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कई हैं दावेदार। भाजपा से पूर्व सांसद शिशुपाल पटले, संजय गांधी निराधार योजना के अध्यक्ष मुन्ना पांडे, राष्ट्रवादी कांग्रेस से सुरेश रांगडाले, धनेन्द्र तुरकर, देवचंद ठाकरे, डॉक्टर विजय पारदी एवं कांग्रेस से रमेश पारदी, बाला ठाकुर व राजेंद्र पटले का समावेश है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। धन्यवाद।